डेली कुकिंग विद सिमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सिमी। आज हमारे किचन में बन रहा है सरसों का साग। रिवायती हमारा खाना है सरसों का साग, आयरन से भरपूर। और इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए चलें देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। एक किलो मैंने ले लिया है सरसों का साग, यानी दो किलो लिया था मैंने, उसके सिर्फ जो पत्ते वगैरह हैं वो काट लिए हैं, तो ये तकरीबन एक केजी रह गए हैं। और एक केजी जो है वो मैंने पालक ले ली है इसके साथ। आप इसमें बाथू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर बाथू डाल रहा हूँ तो आप इसके अंदर आधा किलो तकरीबन जो है वो बाथू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा, मैंने आटा ले लिया प्लेन आटा 3 से 4 टेबलस्पून, और सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने 15 से 20 अदद छोटी वाली। इसके अलावा हमने ले लिया है जी मक्खन 3 से 4 टेबलस्पून, नमक लिया हमने 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल ले लिया हमने 1/4 कप, और 5 से 6 जवे हमने ले लिए हैं लहसुन के। साग पालक और मिर्चों को पीस कर और नमक, और इसको जो है हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। आज जो है वो साग को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, और साथ ही आटा शामिल कर दिया। साग को जो है वो मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, और सब्ज़ मिर्चें भी उसके साथ ही मैंने डाल दी थी, नमक भी ऐड कर दिया था इसके अंदर ही। और ये देखें अभी ब्लेंडर में जो है वो होने के बाद, ब्लेंड होने के बाद इस तरह से हो गया है। अगर आप घोटने से घोटना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत तलब काम है, और आजकल तो इतना वक्त किसी के पास होता नहीं है। तो ये देखें अभी इसका मैं आपको भगात बताती हूँ, इसका जो तड़का लगता है लहसुन का वो किस तरह से हम लगाएंगे, और हमारा झटपट साग रेडी हो जाएगा सरसों का साग। ये रख दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा मैं मक्खन डालूँगी, और सरसों का साग और मक्खन का तड़का ना हो तो उसका जायका ही नहीं आता। तो साथ ही देखें मक्खन के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। लहसुन मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है, और इसके अंदर हम लहसुन को करेंगे इसके बाद ब्राउन। ये देखिए लहसुन डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना। इसके अंदर ऑयल और हमने मक्खन डाला था, और ये हमारा जो साग है ये देखिए हांडी के अंदर जा चुका है, और अब हम करेंगे इसका तड़का। ये देखिए मज़ेदार सरसों का साग तैयार है, खाएं बनाएं एंजॉय करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। साग और उसके साथ मक्खन ना हो तो उसका टेस्ट ही दुबाला नहीं होता। मक्खन डालें साग और मकई की रोटी के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मकई की रोटी भी बताएंगे कैसे बनेगी।